गोरखपुर बार एसोसिएशन ने आज नायब तहसीलदार विजय यादव के स्थानांतरण की मांग को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। बार के पदाधिकारियों ने कहा कि अविलंब पद की मद में चूर इस नायब तहसीलदार को हटा दे, अन्यथा किसी दिन कोई अप्रिय घटना घट सकती है। प्रदर्शन में बार अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण यादव, मंत्री कमलेश कुमार, गोविंद शरण पाठक, प्रभात यादव, जय हिंद सुधीर चतुर्वेदी, प्रभु नारायण पांडे, संतोष सिंह, जैनोल आबदीन, राकेश गौतम, राम प्रसाद गुप्ता, सुधीर चतुर्वेदी, जय हिंद ब्रजेश कुमार, दिलीप मिश्रा, सुनील मिश्रा, श्रवण त्रिपाठी, गुरु प्रसाद, राम आद्य मौर्य, संजय श्री भागवत मौर्य, श्याम प्रताप यादव, दिनेश मिश्रा, प्रदीप सहित सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। धर्मेंद्र साहनी की रिपोर्ट, कैपियरगंज से। अपना परिचय दो वकील साहब। मैं सुधीर नारायण यादव, अध्यक्ष बार एसोसिएशन के। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे जी, किस विषय को लेकर कर रहे थे, क्या मामला? यहाँ एक नायब तहसीलदार विजय कुमार यादव, जिनका सर्किल जो है कैंपियरगंज है, इनके द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया जा रहा है कि जो है रमचौरा से लेकर के अलीनाबाद और अनापुर चौराहे पर सारे लोगों की ज़मीनों को लेखपाल कानून द्वारा नाप करके कि आपकी ज़मीनें जो है 15 मीटर जो है रोड में जा रही हैं, जबकि 5 मीटर रोड में जा रहा है। इस नाम पर जो है 20-20 लाख रुपए जो है रिश्वत लेकर के, फिर जो है फाइनल नाप करके पैसा लेकर के 5 मीटर निकाल करके उनकी ज़मीन दे दी जा रही है। और दूसरी बात कि तो वहाँ की यहाँ पर जो है पत्रावलियों में जिसमें आपत्ति है, उस पत्रावली को भी बगैर कोर्ट पर सुने फाइलों को आदेश कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि उनका ये कहना है कि हम लोग भी जो है अधिवक्ताओं की तरह जो है आंदोलन यहाँ करेंगे। आंदोलन आप लोग का कब तक जारी रहेगा? जब तक इनका ट्रांसफर नहीं हो, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। क्या आला अधिकारी से मिले, डीएम साहब से मिले? डीएम साहब से हम लोग मिले थे, इनका वीडियो दिए थे, फिर जो है हम लोग 1-2 दिन के अंदर डीएम साहब से मुलाकात करेंगे। और भी पत्रक हम लोग और भी जो बार एसोसिएशन है गोरखपुर खजनी सब में हम लोग लेटर देते हैं। परिचय, मैं मंत्री बार एसोसिएशन कैंपियरगंज कमलेश कुमार जी। हमारे वहाँ नायब तहसीलदार विजय यादव हैं जी। ये विजय यादव जो है पिछले लगभग 1 महीने से मिट्टी खनन के लिए इनको प्रभारी बना दिया गया है, उसमें अवैध वसूली कर रहे हैं, दिन रात वसूली कर रहे हैं। आज आप लोग को देखा गया तहसील पर से प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उद्देश्य रहा, क्या मामला है, पूरा मामला बताया कि अधिवक्ता लोग इनके पास जाते हैं इंडोर्स कराने के लिए आपत्ति पे, तो ये कहते हैं मैं इंडोर्स नहीं करूँगा, और यदि दूसरे किसी से इंडोर्समेंट करा के आप आपत्ति लगा भी देते हैं तो उसको मैं फाड़ के निकाल के आदेश कर दूंगा। और कई पत्रावली में, विवादित पत्रावली में भी इन्होंने आदेश पारित कर दिया है बिना किसी प्रक्रिया के पालन के पारित कर दिया, जिससे सभी अधिवक्ता लोग आक्रोशित हैं और इनके विरुद्ध इनके स्थानांतरण तक हड़ताल का निर्णय लिया गया है। और इनके विरुद्ध राजस्व परिषद को भी लिखा जा रहा है, जिलाधिकारी को भी लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री कार्यक्रम खत्म हो जाने पर उनसे भी मुलाकात किया जाएगा, इनके विरुद्ध हालांकि जाँच करा करके कार्रवाई किया जाए और इनको अविलंब यहाँ से हटाया जाए। ए, आप लोगों का प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? इनके स्थानांतरण तक अथवा इनके विरुद्ध कार्रवाई होने। क्या आप लोगों ने जिलाधिकारी से मिला इस मामले को लेकर? नहीं, अभी कल ही से स्टार्ट हुआ है, जिलाधिकारी महोदय तो मुख्यमंत्री भी अभी जिले पे है, वो चले जाएं तो फिर हम लोग जाकर जिलाधिकारी महोदय से।